नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बॉटलनेक का मतलब क्या होता है। अगर आप भी एक पीसी यूजर हैं या पीसी गेमर हैं तो आपने कभी ना कभी ये बॉटलनेक वाली टर्म जरूर सुनी होगी। बॉटलनेक का क्या मतलब होता है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बॉटलनेक से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको आज इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को कंप्लीटली एंड तक देखिए। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं ऐसे ही पीसी रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए मॉर्फिक पीसी नेटवर्क चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करते हुए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे वीडियोज के सारे नोटिफिकेशन आपको रेगुलर बेसिस पर मिलते रहे। So without wasting time, let's get started. सबसे पहले जान लेते हैं कि बॉटलनेक का मतलब क्या होता है। बॉटलनेक का मतलब होता है कि बोतल की गर्दन। अब बोतल की गर्दन से हमारा पीसी से क्या संबंध है, सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, मान लीजिए आपको एग्जांपल देता हूँ। एक आपके पास बोतल है, आप एक बोतल को देखते हैं तो आपको जो बोतल का जो सर्कमफेरेंस है नीचे से वो काफी बड़ा होता है, लेकिन जो उसकी गर्दन है उसका कैप वाला एरिया होता है वो काफी ज्यादा नैरो होता है, जिससे जब हम पानी उस बोतल में से पानी बाहर निकालते हैं तो आप देखते हैं पानी को पूरा बोतल खाली होने में काफी ज्यादा समय लगता है। बोतल की गर्दन को यानी उस कैप को अगर हम उसी साइज से कर दिया जाए जिस साइज की बोतल है, तो आप देखेंगे पानी को कुछ माइनर सेकंड्स लगेंगे पूरी खाली होने में। अब आप इसी एग्जांपल को पीसी से रिलेट कीजिए। मान लीजिए जो पानी आपके बोतल के अंदर है वो डेटा है, और जो बोतल का जो कैप है वो एक सीपीयू है, और जो बोतल जो पानी बाहर ग्लास में निकालेगी वो जीपीयू यानी ग्राफिक्स कार्ड है। सामने इमेज आपकी जो स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, आप उससे क्लियरली एग्जांपल लगा सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं कि बॉटलनेक क्या होता है। यहाँ पर आप देखते हैं कि जो आपका जो पीसी है वो डेटा काफी ज्यादा आपको आउटपुट दे रहा है, लेकिन जो आपका सीपीयू है वो काफी ज्यादा बॉटलनेक क्रिएट कर रहा है, जिससे कि आपका जो ग्राफिक्स कार्ड है उसको कंप्लीट डेटा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही, जिससे कि आपके पीसी के अंदर आपका जो सीपीयू है वो बॉटलनेक क्रिएट कर रहा है। एग्जांपल से समझते हैं, आपने अपने सिस्टम के अंदर एग्जांपल से समझते हैं कि आपने अपने पीसी के अंदर i3 जैसा बजट प्रोसेसर आपने लगा रखा है, यही इसी टाइम आपने जो ग्राफिक्स कार्ड यूज किया है वो RTX 3080 3090 जैसा एकदम हाई एंड ग्राफिक्स कार्ड आप यूज कर रहे हैं। इसी टाइम आप देखोगे कि जो आपका जो सीपीयू है वो जो आउटपुट दे रहा है वो आपके ग्राफिक्स कार्ड के लिए इनफ नहीं है, यानी ग्राफिक्स कार्ड अपने फुल पोटेंशियल पर रन नहीं कर सकता, जिससे कि जो आपका सीपीयू है वो आपके ग्राफिक्स कार्ड के लिए एक बॉटलनेक क्रिएट कर रहा है। अब जानते हैं कि आप अपने सिस्टम के अंदर बॉटलनेक कौन सा पार्ट क्रिएट करता है उसे कैसे जान सकते हैं। ऑनलाइन आपको काफी सारी ऐसी वेबसाइट मिल जाएंगी जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके पीसी के अंदर कौन सा पार्ट बॉटलनेक क्रिएट कर रहा है। मैं एक वेबसाइट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे आके सीधे उसमें इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आपकी जो पीसी है उसमें कौन सा पार्ट बॉटलनेक क्रिएट कर रहा है। एक नेक्स्ट इमेज और देखते हैं। देखिए, यहाँ पर जो इमेज मैंने आपको दिखाई है उसमें बताया गया है SSD जो आपको आउटपुट दे रही है, जो डेटा दे रही है वो काफी ज्यादा है, लेकिन यहीं पर आपको जो CPU जो आपको जो लो एंड CPU आपने जो प्रोसेसर लो एंड यूज किया है वो आपके ग्राफिक्स कार्ड तक कंप्लीट डाटा कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचा रहा है। तो यहीं पर आप चेक करते हैं कि जो CPU वाला पार्ट है वो बॉटलनेक क्रिएट कर रहा है आपके ग्राफिक्स कार्ड के लिए। तो आज आपने इस वीडियो में समझा बॉटलनेक का असलियत में मतलब क्या होता है। बॉटलनेक को हम पीसी कम्युनिटी में क्यों यूज करते हैं। बॉटलनेक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है समझने के लिए अगर आप पीसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो कैसी रही आज की वीडियो, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे स्ट्रांग।